चौकड़ी के सामने सब लोग बरान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बरान हो जाएंगे। फिर मत ना नंगी करो सभा में चौकड़ी के हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बरान हो जाएंगे। चंडाल सामने कुछ नहीं बोल सकता, धिक्कार है ऐसे छतरी पर। और क्या कहने लगी बोला, सत्यानाश पति अरे दुनिया ढंगी देखेगा। करते सत्यानाश पति अरे दुनिया ढंगी देखेगा। बसा शहर उजड़ हो जा रे, बसा शहर उजड़ हो जा रे, काग उड़ाने हो जा रे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बरान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बरान हो जाएंगे। वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन आज उसकी भी जुबा पे ताला लगा हुआ है। अरे मैंने नहीं देखा कि इस दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को भरी सभा के अंदर नग्न अवस्था में अपनी जांग पे बैठने के लिए कह रहा हो। लेकिन जेठ जी, आज तुम जैसा मेरे साथ कर रहे हो, इस बात का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। लेकिन कब क्या कहने लगी करता बाप नहीं देखा।
सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा, नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। हेरे घड़ा पाप का खाली सेरे, घड़ा पाप का खाली सेरे, पाप चुकाने हो जागे चंडाल झोपड़ी के स्वामी, सब लोग बिराने हो जाएंगे चंडाल झोपड़ी, कि मैंने सुना है कि इस भरी सभा के अंदर वो इंसान भी बैठा है जिसको महारथीकरण कहते हैं। अरे क्या हुआ आज उस महारथी को? क्या उसको ये सब देखते हुए शर्म नहीं आ रही? लेकिन मैं तो ये सोचती थी कि इस भरी सभा के अंदर एक ही आंखों का अंधा है, लेकिन मुझे तो आज पता चला है कि ये तो पूरी की पूरी सभा ही अंधी है। मैं किसको किसको कहूँ के क्या लगी द्रौपदी बोला? जेठ जी, तुम बार बार कहते हो कि मेरे पांचों पति तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोल सकते, तो जा जेठ जी, मैं भी कहती हूं, अरे तुझसे बदला लेने के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूं। सोच लेना कि मेरे पांचों के पांचों पति मर गए और किस तरह से अंतिम कली में वो द्रौपदी धिक्कारते हुए दुर्योधन को के कहने लगे बोला। हर नीति ना करे बैठे
पद्मा